अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं माश की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी सी, बहुत चटपटी सी माश की दाल की रेसिपी है। को किसी भी दावत में या रोज़मर्रा के खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। मसाले वाली माश की दाल बनाने के लिए एक पतीली में मैंने 5 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है और अब उसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज के साथ। इसमें जाएगा 2 तेज़पत्ता, ये देखिए ये 2 दालचीनी की स्टिक्स है, 2 बड़ी इलायची है, 3 या 4 छोटी इलायची, किसी तरह 3 या 4 लौंग, इसको भी हम साथ ही में डाल देंगे। और ये 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने, ये भी चले जाएंगे। इसी के साथ प्याज को हम नरम नरम सा गुलाबी सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन सी हो चुकी है और अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हींग को डाल के हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये को भी डाल के हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई अगर कर दिया तो ये हो सकता है कि मसाला जो है हमारा वो जल जाए। 1 मिनट तक हम अदरक लहसुन को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, खुशबू अच्छी सी आने लगी है। और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक, नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग लीजिए कम या ज़्यादा। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, इसको भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ ये 4 हरी मिर्च लिया, इसको इस तरह से एक हरी मिर्च में इसके 3 पीसेस कर लिए, ये डाल देंगे। और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। टमाटर के साथ साथ मसाले भी हमारे अच्छी तरह से इस दौरान भुन जाएंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 किलो माश की दाल, इसको मैंने भिगो लिया था 4 घंटे के लिए, ये चली जाएगी। इसके बाद इस दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 50 ml से कुछ कम पानी, पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि दाल जो है वो हमने 4 घंटे के लिए भिगो दी थी। देखिए दाल जो है ये पकने लगी है, इसकी फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और इसको ढाँक कर हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ 1/2 प्याली बारीक कटी हुई हरी धनिया, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ढाँक कर गलने तक पका लेंगे। दाल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। दाल अभी अच्छी तरह से गली नहीं है, इन्हीं का छींटा और मारेंगे हल्का सा। 1/4 कप के लगभग मैंने इसमें पानी डाला है तो इसको भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए फ्लेम को मैंने हाई किया ताकि जो पानी डाला है वो पकने लगे। ये देखिए ये पकने लगा, तो अब इसको हम ढाँक देंगे और इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे। बीच बीच में दाल को चेक भी करते रहना है। दाल को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में मैं चलाती भी रही हूँ, तो अब देख लेते हैं कि ये गली है या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और गरम मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी सी आने लगी है। तो इसकी फ्लेम को अब ऑफ कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए दाल को मैंने सर्व करने के लिए एक डिश में निकाल लिया है। अब इस पर मैं हरी धनिया की गार्निशिंग कर रही हूँ और लंबाई में कटी हुई अदरक, ये गार्निश कर देंगे इसके ऊपर, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये भी डाल दिया। ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।